अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था, जिसके दो सवाल हमने किए थे और दो सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बता रहा है, हाउ मेनी रिलेशंस कैन ए मल्टीप्लाई बी हैव इफ़ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट्स। यानी हमें क्या कह रहा है कि कितने रिलेशन ए मल्टीप्लाई बी के बन सकते हैं अगर सेट ए के 4 एलिमेंट्स हो और बी के 3 एलिमेंट्स हो। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, हमें सवाल में क्या बताया था कि कितने रिलेशन बन सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी के अगर ए के पास 4 एलिमेंट्स हो और बी के पास 3। अब देखें, ए इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स, यानी ए के पास 4 एलिमेंट्स हैं एंड बी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स। देखें, हमें पता है कि जो है वो जो रिलेशंस मालूम करने का तरीक़ाकार होता है वो होता है ए मल्टीप्लाई बी का। यानी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारा रिलेशन मालूम होता है। तो रिलेशन मालूम करने के लिए एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि जब सिर्फ रिलेशन मालूम करने हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम रिलेशंस मालूम कर सकते हैं। अब वो फार्मूला कौन सा है ये देखिए ज़रा। आर टी मतलब टोटल रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 हमारे पास फार्मूला है क्योंकि जो है वो दो सेट हमारे पास मौजूद हैं कि हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक सेट हमारे पास ए होता है और एक सेट हमारे पास बी होता है। तो दो एच सेट हो गए हमारे, जिसका 2 आ गया। और एन कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट्स, यानी सेट में दिए गए नंबर्स की तादाद जो है वो एन कहलाती है। अब नीचे देखिए, रिलेशन टोटल रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। अब ये 4 मल्टीप्लाई 3 क्या है? 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब देखें, ए के एलिमेंट्स हमारे पास 4 हैं और हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, और बी के एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए हमारे पास? टोटल 12 एलिमेंट्स। अब देखिए, टोटल रिलेशन हमने बताने हैं तो 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 जो है वो बाज़ औक़ात में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 की पावर 12 का मतलब होता है कि हमारे पास 2 यहाँ पर 12 टाइम मौजूद है। ये नीचे देखिए हमने ज़रा लिखा हुआ है, टोटल रिलेशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह ये सारे देखें 12 2 जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अब ये 12 2 मौजूद है तो हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का तरीक़ेकार आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आखिर में क्या बना? 4096। यानी ये जो सेट था हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी का, जिसमें ए में 4 एलिमेंट थे और बी में 3 एलिमेंट्स थे, इनका जब हम रिलेशन इनके जब हम मालूम करने जाएंगे तो टोटल रिलेशन हमारे पास कितने बनेंगे इसके? 4096, यानी 4096 रिलेशंस बनेंगे टोटल अगर हम इसके रिलेशंस मालूम करने जाएंगे तो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम। यानी ऑर्डर पेयर हमने जो है वो निकालने हैं रिलेशन आर में से। और सवाल हमें क्या दे रहा है, ए के सेट दे रहा है 1 2 3 4, बी का सेट दे रहा है 0 1 2 3। फिर आगे बता रहा है, वेयर ए बी आर द मेंबर ऑफ रैशनल नंबर रिलेशंस इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी ए का सेट दे रहा है 1 2 3 4, बी का सेट दे रहा है 0 1 2 3, और हमें आगे क्या डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, यानी डिटेल हमें क्या बता रहा है कि ए और बी जो है वो मेंबर हैं रिलेशंस के, अगर जो है वो हमारे पास नीचे जो सवाल दिए गए उनको सॉल्व करें तो। अब देखिए, इसके जो पार्ट्स हैं 4, उनको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, ए और बी के रिलेशन मालूम करने होंगे। अब रिलेशन कैसे मालूम होते हैं? रिलेशन मालूम होते हैं मल्टीप्लाई से। अब देखो, सॉल्यूशन हमने किया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मालूम करेंगे, क्योंकि हमने इसके क्या करने हैं, मल्टीप्लाई के आंसर मालूम करने जो रिलेशंस होंगे। फिर उसमें से हमें क्या करना है, इनके सवाल को सॉल्व करना है। ए मल्टीप्लाई बी हम करेंगे कैसे होगा, ए का सेट लिखा 1 2 3 4, मल्टीप्लाई की साइन, बी का सेट लिखा 0 1 2 3। मल्टीप्लाई का तरीका सेम वही हमारा है जो हमने पहले सवाल में किया था, यानी 1.3 के स्टार्ट में। तो क्या था, पहले नंबर पहले सेट के पहले नंबर को दूसरे पूरे सेट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पर किया हुआ है 1 को 0 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। ये नीचे देखें 1 0 1 1 1 2 1 3, इसी तरह फिर 2 को तमाम नंबर्स के साथ, फिर 3 को तमाम नंबर्स के साथ, और फिर आखिर में
4 को तमाम नंबर्स के साथ। अब देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना इन तमाम नंबर्स को, अब ये हमारे पास एक तरह से रिलेशंस आ गए। अब रिलेशंस तो आ गए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इसके हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं अब उनको सॉल्व करेंगे। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा उसको देख लेते हैं। अब देखें ये हमने a मल्टीप्लाई b मालूम किया था, जिसका आंसर हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम इसके पार्ट a की तरफ आते हैं। पार्ट a यानी पार्ट वन हमारे पास है, a इज इक्वल टू b। अब a इज इक्वल टू b कैसे सॉल्व होगा उसको तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने, हमने लिखा a इज इक्वल टू b वेयर a b आर द मेंबर ऑफ रिलेशंस, यानी जो सवाल में हमें बताया गया था कि a और b जो है वो रिलेशन है, मतलब वो है मेंबर है किसके, रिलेशंस के। अच्छा देखिए अब a इज इक्वल टू b का क्या मतलब, a इज इक्वल टू b का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो ये आंसर्स आए हैं हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें a और b बराबर होना चाहिए। अब a और b हमें कैसे पता चलेगा कि a क्या है और b क्या है, वो हमें पता चलेगा यहाँ से। यहाँ देखिए हमें नज़र आ रहा है कि a जो है वो पहले नंबर की तरफ है और b जो है वो दूसरे नंबर की तरफ, यानी इसके हर एक जो एलिमेंट है हमारे पास a मल्टीप्लाई b के, जैसे पहला एलिमेंट है 1 और 0, तो इसमें a क्या है, इसमें a हमारे पास 1 है और b क्या है हमारे पास 0 है। इसी तरह इस एलिमेंट में a भी हमारे पास 1 है, b भी हमारे पास 1 है, इसमें हमारे पास a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 है। इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3 है, इसी तरह ये नंबर सारे चलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें सवाल में क्या कह रहा है कि a बराबर होगा b के, यानी हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है इसका जिसमें a और b दोनों इक्वल हो। जैसे कि पहला एलिमेंट हमारे पास ये रहा 1 एंड 1, यानी a भी 1 है, b भी 1 है। आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं तो आगे चलते चलते हमें एक और सेट यहाँ पर नज़र आया, वो है ये रहा a भी 2 है, b भी 2 है। उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखें 3 3 एंड 3, ये भी इक्वल है, और नीचे 4 0 4 1 4 2 4 3, इनमें कोई भी इक्वल नहीं है। तो हमारे पास इक्वल नंबर कौन कौन से आ गए, एक 1 1, आगे गए हम तो उसके बाद जो है वो 2 2, और उसके बाद जब हम आगे आए वापस तो हमारे पास क्या इक्वल था, 3 3। तो हमने क्या किया, नीचे लिख दिया 1 1 2 2 एंड 3 3, ये हमारा आंसर है। ये आंसर क्यों हुआ, क्योंकि हमें कह रहा था कि a इक्वल है b के, यानी हमें ऐसे रिलेशन में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसमें a और b बराबर हो, तो ये जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन लिखा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, यानी दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं a और b जिनको प्लस करें तो हमारा आंसर 4 आए। आगे हमें वही डिस्क्रिप्शन में बता रहा है, वेयर a b आर द मेंबर ऑफ रिलेशंस, यानी a और b रिलेशन के मेंबर्स हैं। a हमारे पास पहला नंबर, b हमारे पास दूसरा नंबर। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 4, यानी ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आए, 4 आए। दोबारा से हम आते हैं a मल्टीप्लाई b पर। पहला नंबर 1 प्लस 0, अगर प्लस करेंगे तो 1 आता है, फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, हमें 4 चाहिए याद रखिएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, आगे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी एक नंबर हमें मिल गया, कौन सा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, 2 0 2 1 नहीं है, 2 और 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं, 2 3 3 0 नहीं, 3 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 3 नंबर हो गए, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 बन रहे, 4 नहीं बन रहा, यानी 3 नंबर हमारे पास हो गए, कौन कौन से, एक हो गया 1 3, प्लस 1 और 3 4 होते हैं, उसके बाद एक हो गया 2 एंड 2, 2 और 2 4 होते हैं, और उसके बाद 3 एंड 1, 3 एंड 1 भी 4 होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमने क्या करना है, इसी तरह वो दो नंबर देखने हैं जिसका प्लस करने के बाद आंसर 4 आना चाहिए। अब 3 और 3 का आंसर तो 6 आता है, आगे 4 और 0, 4 और 0 को जब हम प्लस करेंगे तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यानी ये नंबर भी हमारे पास आंसर में 4 आ रहा है। आगे 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3, इनमें से कोई भी आंसर 4 नहीं आ रहा। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए इसमें जिसका आंसर 4 आ रहा है, 1 3, आगे बढ़ते हैं 2 2, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 1, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 4 0, यानी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 4 का।
इसके पार्ट सी की तरफ आते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब हमें क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। सॉल्यूशन, ए इज़ ग्रेटर देन बी वेयर ए बी आर द मेंबर ऑफ रिलेशंस। यानी उसी तरीके से सेम हमने जो है वो नंबर्स मालूम करने हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि आया ए जो है वो बी से बड़ा हो। याद रखें कि ए जो है वो पहला नंबर होगा, जिस तरह यहाँ पर हमें बताया गया है, और बी हमारा दूसरा नंबर होगा। अब ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब ए बड़ा नंबर पहला, दूसरा नंबर छोटा, वन एंड ज़ीरो। वन बड़ा नंबर है ए और दूसरा नंबर छोटा है। अब वन वन नहीं हो सकता, वन टू भी नहीं हो सकता, वन थ्री भी नहीं हो सकता। उसके बाद टू ज़ीरो बिल्कुल है, पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। उसके बाद टू वन ये भी है, टू टू नहीं हो सकता, टू थ्री नहीं हो सकता। फिर थ्री ज़ीरो भी है, थ्री वन भी है, थ्री टू भी है, थ्री थ्री नहीं हो सकता। यानी फिर बता रहा हूँ कि पहला नंबर बड़ा और दूसरा नंबर छोटा। फोर ज़ीरो, इसमें फ़ोर बड़ा नंबर है पहला, फोर वन इसमें भी बड़ा नंबर है पहला, फोर टू इसमें भी बड़ा नंबर है, और फोर थ्री इसमें भी बड़ा नंबर है। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वन ज़ीरो, टू ज़ीरो, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वन ज़ीरो, टू ज़ीरो, टू वन, थ्री ज़ीरो, थ्री वन, थ्री ज़ीरो, फोर ज़ीरो, फोर वन, फोर टू एंड फोर थ्री। यानी तमाम नंबर्स में आप देखेंगे तो पहला नंबर आपको बड़ा नज़र आ रहा है, दूसरा नंबर छोटा नज़र आ रहा है, और सवाल में भी हमें यही कह रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए डिवाइड्स बी, यानी ए जो है वो बी से डिवाइड हो रहा हो। अब ए बी से डिवाइड हो रहा हो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ए के टेबल में बी आ रहा हो। सॉल्यूशन, ए डिवाइड्स बी यानी ऐसा नंबर जो ए के टेबल में, मतलब पहले नंबर के टेबल में आ रहा हो दूसरा नंबर। ए डिवाइड्स बी वेयर ए बी आर द मेंबर ऑफ रिलेशंस। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए वन के टेबल में ज़ीरो बिल्कुल आ सकता है, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ये एक हो गया, वन वन ज़ा वन ये भी आ रहा है, वन टू ज़ा टू ये भी आ रहा है, वन थ्री ज़ा थ्री ये भी आ रहा है। आगे देखते हैं टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ये भी आ रहा है। अब टू के टेबल में वन नहीं आ सकता तो ये नहीं काउंट होगा। टू के टेबल में टू आता है, टू के टेबल में थ्री नहीं आता, ये भी काउंट नहीं होगा। थ्री के डबल में ज़ीरो, थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ये भी आता है, थ्री के डबल में वन नहीं आता, थ्री के डबल में टू नहीं आता। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, थ्री के डबल में थ्री आता है, फोर के डबल में ज़ीरो आता है, फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फोर के डबल में वन नहीं आता, फोर के डबल में टू नहीं आता, और फोर के डबल में थ्री भी नहीं आता। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया यहाँ पर, वन ज़ीरो यानी वन के डबल में ज़ीरो आता है, वन वन, वन टू, वन थ्री, फिर उसके बाद टू ज़ीरो, टू टू, थ्री ज़ीरो, थ्री थ्री एंड फोर ज़ीरो। ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जिसमें ए के टेबल में बी आता है। हमें सवाल में भी यही कह रहे हैं ए डिवाइड्स बी, यानी ऐसा नंबर जो ए के टेबल में बी आता हो वो वाला एलिमेंट हमने यूज़ करना है। चले अभी के लिए जो है वो इतना ही, हमने क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट पढ़ा। आज के लिए होमवर्क आप लोगों का कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो क्लास वर्क आप लोगों ने किया है, ये जो समझा है, यही क्लास वर्क आप लोगों ने कॉपी में करना है। हालांकि मैं चाह रहा था कि इसमें कुछ आपको होमवर्क दूं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसमें आप लोगों को कुछ भी होमवर्क मैंने नहीं दिया। उम्मीद है कि जो है वो आपको ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन, वो भी जो है वो जल्दी हो जाएंगे, ताकि हमारा ये चैप्टर नंबर वन कम्प्लीट हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।